सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पटना अवध के द्वारा महाविद्यालय में आंदोलन किया गया और मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है, जिस पर महाविद्यालय प्रशासन ने छात्र संगठन को आश्वस्त किया है कि 7 दिनों के भीतर सारी मांगों को पूरा किया जाएगा। दरअसल दिनांक 4 अक्टूबर को पेटलावद महावीर महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन के रूप में धरना प्रदर्शन किया, साथ ही कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। अपनी मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन तक की चेतावनी छात्रों के द्वारा दी गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि महाविद्यालय में सुविधाओं का अंबार है और छात्रों को बड़ी परेशानी के बीच अपनी पढ़ाई को पूरा करना पड़ रहा है, किंतु महाविद्यालय में कोई सुधार नहीं किया जा रहा है, जिससे आज छात्रों की आवाज को बुलंद करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आंदोलन का रुख अपनाया है। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन तक की भी चेतावनी दी गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आंदोलन पर महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि 7 दिनों के भीतर सभी मांगों को मान लिया जाएगा और छात्रों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। समस्याओं को लेकर आज आंदोलन किया गया। महाविद्यालय को बने हुए कई वर्ष हो गए, जब से ऊपर सेकेंड फ्लोर पे ना तो लाइट व्यवस्था है ना पंखे की व्यवस्था है, तार लटक रहे हैं, आधे पंखे टूटे पड़े हैं और बैठक व्यवस्था का इस बार सुधार हुआ है, नहीं तो इतने साल से कुर्सियाँ भी भंगार पड़ी है यहाँ पे। तो आज आंदोलन किया गया था, क्या कुछ कॉलेज प्रशासन ने कहा? 7 दिन का सर बोल रहे हैं 7 दिन में कार्य शुरू हो जाएगा। नहीं होता है तो आगे की क्या रणनीति? उग्र आंदोलन करके धरना प्रदर्शन चक्का जाम तक का करेंगे और इसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। क्या नाम है आपका? हरिओम शर्मा, पूर्व छात्र अध्यक्ष है एबीपी। किन समस्याओं को लेकर आज आंदोलन किया? जो महिला की शौचालय है वहाँ पे व्यवस्था पानी की नहीं है, उसके बाद फिर पढ़ने के लिए बहुत सारे युवा युवती आते हैं, पर यहाँ पे सर ना सही से जवाब देते कि कब तक हमारी कॉलेज खुलेगी, कब तक हमारी पढ़ाई मतलब निरंतर चलने वाली है, अभी तक कोई भी अता पता नहीं है। अच्छा, तो आज किस तरह से आंदोलन किया गया? दो घंटे से हम यहाँ पे अभी तक यहाँ पे बैठे धरना धर के बैठे हैं और अभी तक कोई भी मतलब सही तरीके से नहीं बताए गए हैं। अच्छा, कॉलेज प्राचार्य से भी बात हुई है, प्रशासन के अधिकारी भी पहुँचे थे, तो क्या कुछ उन्होंने बताया आपको? कितना समय दिया है कि आपकी मांगे पूरी करने को लेकर? 7 दिन के अंदर हमारा ये मतलब कार्य शुरू हो जाएगा। आगे नहीं होता है तो क्या कुछ करेंगे आप? बड़ा आंदोलन हम करेंगे अभी। क्या नाम है आपका? दीपिका डामर। कई मांगों को लेकर आज आपने यहाँ पर ज्ञापन दिया और एक आंदोलन किया है, क्या कुछ मांगे और क्या कुछ आश्वासन आपको मिला है? हमारी जो मांगे थी, विगत कई वर्षों से बिल्डिंग की जो स्थिति है वो खराब हो चुकी है, यहाँ पर ना ही पानी की पीने की व्यवस्था है, बाथरूम में भी पानी की व्यवस्था नहीं है और जो कक्षाएं ऊपर है उसमें ना झाड़ू लग रहा है और सभी में जालियां लगी हुई है, और अभी जो सरकार ने कोरोना काल के चलते अभी विद्यार्थियों को एडमिशन की प्रक्रिया तो चल रही है पर अभी विद्यार्थियों को ना कक्षाओं में बैठाया जा रहा ना पढ़ाया जाता है, ऐसी तमाम जो समस्याएं थी उसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने आज महावीर महाविद्यालय में उग्र आंदोलन पे बैठे थे। करीबन दो घंटे तक विद्यार्थी परेशान होते रहे, ना ही कोई आवेदन और आश्वासन देने पहुंचा। उसके बाद हमने अनुविभागीय अधिकारी को फ़ोन लगाया, उसके बाद नायब तहसीलदार सर आए और हमारी समस्या को सुना गया, और जो विद्यार्थियों की जो छात्रवृत्ति है विगत 2 वर्षों से अभी तक विद्यार्थियों के खाते में नहीं आई है, और हमारा झाबुआ जिला एक ट्राइबल क्षेत्र है और यहाँ का जो विद्यार्थी पढ़ने वाले वो कहीं ना कहीं छात्रवृत्ति और मजदूरी को और निर्भर है, तो यहाँ पे कोरोना काल के चलते विद्यार्थियों को ना मजदूरी मिल पाई है पे जा पाई है और ना ही अभी छात्रवृत्ति मिली है, तो ऐसे में विद्यार्थियों का जो समय है वो भी बर्बाद हो रहा है, विद्यार्थियों की अनेक प्रकार की समस्याएँ आ रही है। अच्छा, अभी आपको यहाँ पर क्या आश्वासन दिया गया है, किस तरह से आपको यहाँ पर कॉलेज प्रशासन के द्वारा बताया गया है? यहाँ के प्राचार्य सर महोदय ने अभी अवगत कराया कि जल्दी आपकी जो भी समस्याएं हैं हम यहाँ की जनभागीदारी समिति है उसको जल्दी से गठित करेंगे, उसके माध्यम से आपकी तमाम जो समस्याएं हैं उसको हम सोल्व करने का प्रयास। वॉइस ऑफ राइट्स के पेटलावा से नीलेश सोनी की रिपोर्ट।